वर्कआउट सेशन आई एम कम्प्लीटली हेल्थ फ्रीक. मैं जिस दिन वर्कआउट नहीं करती हूँ आई फील समथिंग इज़ मिसिंग इन माई डे. सो येस आई वुड कम्प्लीटली एंडोर्स ऑन द फैक्ट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली दैट एवरी वन शुड वर्कआउट. इट कुड बी एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट. इट कुड बी जिम, इट कुड बी योगा, इट कुड बी पिलाटस, एनी थिंग. आई मैं बेसिकली सारा वर्कआउट कम्बाइन करती हूँ बिकॉज आई डोंट बिलीव दैट योर बॉडी शुड गेट यूज टू एनी पर्टिकुलर वर्कआउट. सो येस दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ माई वर्कआउट एंड आई हैव अ फैबुलस ट्रेनर इन जेराल्ड whom I'll be introducing in some time. और मेरे लिए बहुत ही ब्यूटिफुल जर्नी रही है बिकॉज पोस्ट माई डिलीवरी आई हैड गेन अबाउट 36 किलोज और उस वक्त मुझे ये लगा था कि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू लूज दिस काइंड ऑफ वेट. बट येस आई वुड लाइक टू टेल एवरी वन दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू पुट इन द डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट. कम से कम एक घंटा दिन में एक से डेढ़ घंटा मैं इन्वेस्ट करती हूँ. एक घंटा मैं वर्कआउट करती हूँ और आधा घंटा मैं योगा और मेडिटेशन करती हूँ. जी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ तो ये है दैट यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू बी एट पीस मेंटली एंड दैट इज़ वेन आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो. एंड ऑब्वियसली फूड हैबिट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जैसे एवरी थिंग स्टार्ट्स विद योर स्टमक वेदर इट्स एन हेल्थ इश्यू और इट्स एनी थिंग. सो येस ईट हेल्दी. हेल्दी डजेंट मीन दैट यू गिव अप ऑन फूड एंड यू जस्ट गो ऑन अ डायट. मैंने कभी डायट नहीं किया है. आई जस्ट लाइक टू ईट गुड फूड एंड हेल्दी फूड. जी येस ऑफकोर्स आई एम लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट. बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट वन टू कम अक्रॉस एंड आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग. एज एन एक्टर आई फील मोर डिफिकल्ट एंड मोर चैलेंजिंग स्क्रिप्ट इज बेटर फॉर मी.
वो बहुत जल्द आपको पता चलेगा. इट कुड बी अ मूवी ऑल्सो, इट कुड बी अ वेब सीरीज ऑल्सो. इसके अलावा बॉलीवुड में मैम नीट ऊपर ट्रेंड बोल सकते हैं जी जी मैं आई एम कम्प्लीटली इन फॉर इट. एज अ ह्यूमन एंड एज अ वुमेन आई एम इन कम्प्लीट सॉलिडेटरी विद द मोमेंट. मुझे लगता है कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी हियर व्हाट द विक्टिम्स हैव टू से एंड द सेक्सुअल प्रेडेटर शुड बी आई मीन दे शुड बी गॉन थ्रू द लीगल जस्टिस. And I just hope and pray that all of this makes our workplace and our home place a safer environment for all of us. इसके अलावा मैं एक बार बोल के अब सेलिब्रिटी चुप हो जा रहे हैं, देखा जितने जी जो भी इल्जाम लगा रहे हैं तो वो भी नहीं बोल रहे. इसके अलावा कुछ बोल सकते हैं आपके क्यों नहीं बोल रहा है? अगर बोलना है तो पूरी तरह से बात करिए, तो मत रखिए. No comments on that. Thank you. जी दिवाली आई जस्ट कम्प्लीटली मुझे दिवाली बहुत पसंद है बिकॉज देर इज अ फेस्टिव एनवायरमेंट ऑल अक्रॉस एवरीवेयर इज जस्ट ब्यूटिफुल एंड एवरीबडी दैट्स वॉट अ कल्चर इज ऑल अबाउट. एवरीबडी लव्स गोइंग आउट एंड सेलिब्रेटिंग एंड द ब्यूटिफुल लाइट्स एंड ब्यूटिफुल गेट टुगेदर्स एंड मिठाइयाँ. ओ माई गॉड आई लव इंडियन स्वीट्स. So I think yeah, it's more of a celebratory mode which everybody gets into during Diwali. So it's a lovely festival. मैं सबको happy Diwali कहना चाहूँगी. Be happy and have fun this Diwali. Thank you. Hello, Mimalne. YoYo TV app download చేసుకున్నారా? ఇంకా లేదా? మీ App Store కి వెళ్లి వెంటనే download చేసుకోండి. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.